देखते लोग कितना प्यार करता हूँ, चलो हाथ मिला दे। ओ मैं बेटा इस वाले से भी दे दो, शाबाश। थोड़ा आलसी है लेकिन कुकू हमारा अच्छा है ना कुकू। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो अभी मैं आ गया अपने स्टूडियो के अंदर। आज जाना है मुझे दिल्ली में, ITO है वहाँ पर कुछ काम है, और उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि विजिट करूँगा मंडी हाउस जहाँ पे मैं बैठ के स्केचिंग वगैरह करता था ना, तो कुछ पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। ठीक है, भयंकर किस्म की गर्मी है यार, बहुत गर्मी लग रही है। ओ भाई गाड़ी देखो कौन सी यार, लैम्बोर्गिनी। क्या बात है यार, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपको लेके जा रहा हूँ मंडी हाउस। मंडी हाउस में ललित कला एकेडमी में मैं आपको वो दिखाऊंगा और वो स्पॉट दिखाऊंगा जहाँ पर हम सारे लोग बैठ के स्केचिंग करते थे और आज भी करते होंगे डेफिनेटली, मैं देखता रहता हूँ वीडियोज। देखते हैं आज क्या होता है। तो जिस रास्ते पर मैं अभी चल रहा हूँ ना, ये रास्ता कॉलेज ऑफ आर्ट से इस तरफ मंडी हाउस की तरफ जाता हूँ। यहाँ पे ना स्केचिंग करते थे लोग। तो क्योंकि मेरा कॉलेज ऑफ आर्ट में एडमिशन तो नहीं हुआ था, तो मैं ना जामिया से जहाँ तक आता था स्केचिंग करने के लिए, और मेरे कुछ फ्रेंड्स थे पुराने एंट्रेंस टाइम पे जिनके साथ मैं प्रैक्टिस करता था ना, तो यहाँ पे आके मैं उन लोगों के साथ में स्केचिंग की प्रैक्टिस करता था इस जगह पर। तो ये है मंडी हाउस के मेट्रो स्टेशन के बाहर का एरिया जहाँ पर हम लोग सब बैठ कर स्केचिंग करते थे, और ये है ललित कला अकेडमी जहाँ पर मैं एग्जीबिशंस की आपसे बात कर रहा था अभी। पे लगता है मैं गलत आ गया, क्योंकि यहाँ पे अभी किसी की पेंटिंग एग्जिबिट नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पे ना शोज लगते हैं, तो अभी किसी का भी शो नहीं लगा हुआ है यहाँ पर। जो पुराना लगा था वही उतार रहे थे उसको। चलो नेक्स्ट शो कभी लगेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा डेफिनेटली। यह श्री राम कला सेंटर, यहाँ पे थिएटर, एग्जिबिशंस, गैलरी वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। तो टोटल एक आर्टिस्ट स्पॉट है कहीं ना कहीं ये दिल्ली में, बहुत ही सुंदर है। और यह है वो जगह हिमाचल भवन के बिल्कुल सामने कैंटीन है ये, यहाँ पर हम सारे कॉलेज के लोग सब बैठते थे रात तक और स्केचिंग करते थे। आज भी देखो यहाँ पर आपको कुछ आर्टिस्ट दिखेंगे, देखो बिल्कुल मेरे सामने ये लड़का स्केच कर रहा है, और ये देखो दूर पे, ये सारे कहीं ना कहीं कॉलेज के लोग हैं, सब आर्टिस्ट हैं और काम कर रहे हैं, अभी स्टूडेंट लेवल पर हैं लेकिन हाँ काम तो कर ही रहे हैं। और ये है हमारा आज का नाश्ता, बोलूँ या खाना बोलूँ, ये मैं गैलरी विज़िट किया है श्री राम कला सेंटर में। बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स हैं, क्लोज करके नहीं दिखाऊंगा यार, क्योंकि कोई कॉपी वगैरह करने का प्रॉब्लम है ना, किसी आर्टिस्ट को प्रॉब्लम हो सकती है। मंडी हाउस को जो सर्कल है ना, यहाँ पे हर तरफ कला ही कला दिखती है मुझे तो भाई। यहाँ पे थिएटर भी होता है, यहाँ पे ये श्री राम कला सेंटर जिसको मैंने अभी विजिट करके आपको दिखाया पेंटिंग्स, ये भी है, ललित कला अकेडमी भी है, कॉलेजेस भी हैं, मतलब बढ़िया है यार। ओके तो अभी आ गया हूँ मैं अपने स्टूडियो के अंदर और बहुत ही थक गया हूँ यार, काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ। पूरा अंधेरा हो रखा है, मैं स्टूडियो में भी एक लाइट जलाई है, अभी देखो पूरी रोशनी करूँगा मैं, ये हो गया पूरे रोशनदान बन गया मेरा स्टूडियो। काफ़ी काम पेंडिंग है, देखो वो वाली जो पेंटिंग है ये भी मैंने पेंडिंग कर रखी है, इसको भी पूरा नहीं करा है। आज मैं कर सकता था उसको लेकिन थोड़ा सा बिजी था तो रहने दिया। पता है ये जो जगह मैंने आपको दिखाई ना मंडी हाउस, ये फर्स्ट ऐसा प्लेस था जहाँ पर मैंने आउटडोर में जाके स्केच करा था। तो इस जगह पर बैठ के ना मैंने ये समझ लो कि जो हम बोलेंगे स्ट्रगल पीरियड है, फिर जो कुछ भी है ना, और मेरा ही नहीं ना जाने कितने जो आर्टिस्ट हैं कॉलेज में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करते हैं, सारे वहाँ पर जाके ही अपने आप को कहते हैं पॉलिश करते हैं, ठीक है, वहाँ पर जाके स्केच करते हैं। आजकल तो आप, मैंने आपको दिखाया वो भीड़ कुछ भी नहीं है वहाँ पर, इससे भी ज़्यादा भीड़ होती थी, लोग ना ज़मीन पर बैठते थे और स्केच करते थे, पोर्ट्रेट्स बनाते थे, ये सब वहाँ चलता रहता था। तो अगर आप दिल्ली से हो और आप ऐसा कुछ काम करना चाहते हो ना, स्केचिंग करना चाहते हो, थोड़ा आर्टिस्टों के बीच में रहना चाहते हो ना, तो आप मंडी हाउस में जाके बैठो, उसी जगह पर जो मैंने बताया हिमाचल भवन के सामने वो जगह, ठीक है, वहाँ पर जाके बैठो और स्केच वगैरह करो, डेफिनेटली आपके कुछ फ्रेंड्स तो वहाँ पर जो आर्टिस्ट हैं वो तो बन जाएंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय।